हेलो गाइस, आज हम स्कूल जा रहे हैं। आज तो हमका वो भी नहीं। वेलकम बैक टू TN के व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये फोटो जो थी ये हमारे नियर एक सुपरमार्केट है उधर की थी। आज हम वहाँ गए थे सुबह, छोटू और मैं तैयार हो गए थे और तैयार होके फटाफट सुपरमार्केट गए थे, थोड़ा सामान लेना था। आके फिर छोटू ने हेयर वॉश किया क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर, और ज़रूर इसका हेयर वॉश करने का टाइम भी आ गया था तो इसलिए इसने हेयर वॉश किया। आके हेयर वॉश करके ब्रेकफास्ट करके फटाफट हमने की पढ़ाई, क्योंकि हमने पहले शर्त लगाई थी कि बाहर जाएंगे पर पहले पढ़ाई करेंगे। तो दोनों भाइयों ने अपनी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करी और उसके बाद खाना वाना खाया और अपने पापा से प्रॉमिस किया कि हमें आज लेने शूज़, क्योंकि इनके पापा ने पहले प्रॉमिस किया था कि हम, पता नहीं कुछ बोला था कि ऐसे करोगे तो मैं शूज़ लेके दूंगा, क्योंकि इनको शूज़ का दोनों भाइयों को बहुत क्रेज़ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, ले लो। तो अपना इन्होंने डेली रूटीन कवर करके शाम को ये गए नियर एक फाइन लुक करके, वो है क्या कहते हैं मॉल है, वहाँ से इन्होंने अपने शूज़ लिए दोनों भाइयों ने। आप आगे व्लॉग में देखना। तो इसने अपनी इधर रिटर्न वर्क कंप्लीट किया, बस इसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि मेरा हैंड पकड़ लो और मैं लिख लूँ। ये हमारे घर के पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे जो वो मैं बता रही थी ना मॉल है, तो इधर हम गए। काफ़ी बड़ा मॉल है, हर तरह की चीज़ मिलती है इधर। तो मतलब कि इसको ये था कि मेरे को वो करना है। इन दोनों ने आज हेयर वॉश करे, इसकी तो फिर नमन के तो मैंने पीछे ही जूड़ी बना दी थी क्योंकि बाल इसके वो तेल लगाने वाले थे। छोटू ने कंघी कर ली थी, वो कहता मेरे को तो वो ही बांध दो टर्बन। शौक आता छोटू को बहुत टर्बन पहनने का, अपने पापा को देखता है ना तो कहता मेरे को भी पहननी है। बाकी हमने पहले तो नीचे एक्सप्लोर करा थोड़ा बहुत, क्या है क्या नहीं है। मतलब नीचे ज़्यादा छोटे बच्चों का, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते ना उनके कपड़े थे, और साइड में थोड़े से बड़े बच्चों के गर्ल्स बॉय सेक्शन वो थे। बाकी यार इस मॉल में सब कुछ है, ओवरऑल पर्सेस हैं, शूज़ हैं, ड्रेसेस हैं, नाइट सूट्स हैं, और आप जैसे मर्जी ले लो। यहाँ पे ये इसके प्राइस टैग बता रहा होगा 59 रियाल, 69 रियाल, हर रेट एंड रेंज का, और हर तरह के वो थे। बेसिकली जो कुलतेज और नफतेज को चाहिए थे शूज़ यहाँ पे, उनको वो चाहिए था। बट ये कि इस वाले मॉल में ना एक मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि कॉटन और हॉजरी के कपड़े मिलते हैं, वो सिंथेटिक टाइप कपड़े नहीं मिलते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। बहुत सॉफ्ट एंड नाइस थे, ड्रेसेस भी सारी अच्छी खासी लगी हुई थी, देख के अच्छा लग रहा था कि यहाँ कुछ नाइस स्टफ आ रखा है। होप सो आप इस ब्लॉग को इन्जॉय भी करेंगे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। हाँ, आपको एक और चीज़ बतानी थी, जो मेरी फ्रेंड थी जो मेरे से कड़ा प्रसाद मतलब आटे के हलवे का रेसिपी मांग रही थी, वो मैंने एंड में पिक शेयर भी किया, उन्होंने बना के मुझे भेजी भी है कि देखो मैंने हलवा बनाया है, तो आप उसको भी देखना ज़रूर। और ये देखो हम अपस्टेयर्स चल गए थे, ऊपर भी मतलब ऊपर ये लेडीज सेक्शन है, काफ़ी कुछ आ रखा था। इंजॉय करें आप वीडियो को देख के। थैंक यू।
छोटू ने ना ये वाले शूज पसंद किए थे, छोटू ने क्या उसके भाई ने किए थे। ये शूज में रेडियम लगे हुए हैं, तो लाइट बंद करो तो ये जो शाइन हो रही है ना ग्रीन ग्रीन लाइट, ये रेडियम्स हैं। ये बहुत खुश हो गया। और नमू का ये वाले, और ये वो पिक है जो मेरी फ्रेंड ने अपनी रेसिपी शेयर करी।